नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले में अपराधी हुए बेखौफ, बड़ी घटना को अंजाम देने पहुंचे अपराधियों ने सड़क पर किया बम विस्फोट। नहीं थम रहा है जिले में रफ्तार का कहर, घर में घुसा तेज रफ्तार अनियंत्रित पिकअप वैन। जल जीवन हरियाली अभियान को लेकर छात्राओं ने निकाली रैली, मानव श्रृंखला में शामिल होने की लोगों से अपील। स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वयं सेवकों ने निकाली जागरूकता रैली, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। और वाहन चेकिंग अभियान के दौरान जीरो माइल पुलिस को मिली बड़ी सफलता, भारी मात्रा में शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। इन दिनों अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ गया है। अपराधी खुलेआम गोलीबारी और बमबाजी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। शुक्रवार को मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के ब्लॉक रोड में हथियार से लैस अपराधियों ने 5 राउंड गोलियां फायर की, साथ ही बीच सड़क पर बम विस्फोट कर दिया। घटना को लेकर ग्रामीण काफी दहशत में हैं। दरअसल अपराधी किसी वारदात को अंजाम देने ब्लॉक रोड पहुंचे थे। वहीं अपराधी को देख ग्रामीणों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद सभी अपराधी मौके से फरार हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही नाथनगर और मधुसूदनपुर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं ग्रामीण अपराधियों के डर से कुछ भी बताने से इनकार करते नजर आए, जिससे पुलिस को जांच में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिले में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार की शाम मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के किशनपुर पोखर के समीप तेज रफ्तार अनियंत्रित पिकअप वैन बिजली के खंभे से टकराते हुए सुबोध चौधरी के मकान में घुस गया। इस दौरान घर के अंदर बैठे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची मधुसूदनपुर पुलिस ने पिकअप वैन की तलाशी ली। जांच के दौरान गाड़ी के अंदर से 1.5 लीटर शराब की बोतल पुलिस ने बरामद की। वहीं पुलिस ने पिकअप वैन को जब्त कर गाड़ी मालिक पर प्राथमिकी दर्ज की है। सुबोध चौधरी ने बताया कि पिकअप वैन के धक्के से उसका पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो गया है। मुख्यमंत्री के महत्वाकांक्षी अभियान जल जीवन हरियाली को लेकर शुक्रवार को नाथनगर स्थित +2 इंटर स्तरीय बालिका उच्च विद्यालय की छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली। प्राचार्य आभा कुमारी के नेतृत्व में निकाली गई रैली नाथनगर के केवीलाल रोड, मनस्कामना नाथ चौक, सुभाष चौक, गोलदार पट्टी एवं मुख्य बाजार होते हुए स्कूल पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान छात्राओं ने जल जीवन हरियाली से संबंधित स्लोगन लिखी तख्तियां हाथों में लेकर आम लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया। दरअसल मुख्यमंत्री के आह्वान पर 19 जनवरी को पूरे बिहार में जल जीवन हरियाली को लेकर मानव श्रृंखला का निर्माण किया जाएगा। विद्यालय के शिक्षक त्रिपुरारी कुमार ने बताया कि जल जीवन और हरियाली नहीं रहेगा तो जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। रैली में शिक्षक शिक्षिकाओं के अलावा सैकड़ों की संख्या में छात्राओं ने हिस्सा लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है ये, बिहार में जल को बचाने के लिए, हरियाली को लाने के लिए, जिससे जीवन बच सके, इसके लिए 19 तारीख को मानव श्रृंखला बनाने के लिए जागरूकता अभियान ये है। और परिवेश में, समाज में लोग जागरूक हों और 19 तारीख को मानव श्रृंखला में जाएं, जल को बचाने का प्रयास करें, पेड़ पौधे को लगाने का प्रयास करें। देश है कि पूरे समाज को जो है ना, जल जीवन हरियाली जो हमारे सरकार की योजना है और ये मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना हम लोग जी नहीं सकते। जब तक जल जीवन हरियाली नहीं बचेगा तो फिर हम जो है ना, मनुष्य के अस्तित्व की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा निर्देशित स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को मारवाड़ी कॉलेज से जागरूकता रैली निकाली गई। राष्ट्रीय सेवा योजना के बैनर तले निकाली गई रैली को प्राचार्य डॉक्टर गुरुदेव पोद्दार, NSS के विश्वविद्यालय समन्वयक डॉक्टर दीपो महतो और कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर आशीष मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद स्वयंसेवक एक कदम स्वच्छता की ओर और स्वच्छ भारत के नारे लगाते हुए भागलपुर स्टेशन चौक पहुंचे और जन जागरूकता अभियान चलाया। कई स्थानों पर NSS के स्वयंसेवकों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए स्वच्छता का संदेश दिया और पर्यावरण संरक्षण की बात कही। NSS के कार्यक्रम अधिकारी आशीष मिश्रा ने बताया कि छात्रों का समूह सदर अस्पताल, खलीपाबाग चौक समेत कई स्थानों पर लोगों को जागरूक किया, साथ ही गंदगी नहीं फैलाने की अपील की। जागरूकता रैली में आशुतोष बिहारी, रोशन जायसवाल, मृत्युंजय कुमार, आलमारा, मुस्कान कुमारी, सूरज हरिओम समेत कई कलाकारों ने नाटक का मंचन किया। मौके पर डॉक्टर रविशंकर समेत दर्जनों स्वयंसेवक मौजूद थे। पूर्ण शराबबंदी के बाद भी शराब तस्करी का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार की अल्ले सुबह वाहन चेकिंग अभियान के दौरान जीरो माइल पुलिस ने 575 बोतल देसी शराब बरामद किया है।
साथ ही पुलिस ने खदेड़कर एक शराब कारोबारी को मौके से गिरफ्तार कर लिया। दरअसल एसएसपी आशीष भारती के निर्देश पर प्रतिदिन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान इंजीनियरिंग कॉलेज के समीप सबौर की ओर से आ रहे ट्रैक्टर को 0 माइल पुलिस ने तलाशी के लिए रोका। तलाशी के दौरान पुआल के अंदर छिपाकर रखे गए शराब की बोतल को पुलिस ने बरामद किया। वहीं मौका देखकर तस्कर मीरा चक निवासी सत्तन मंडल भागने लगा, जिसको पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। साथ ही पकड़े गए आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी हाँ, अब आपके शहर भागलपुर में विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा पहली बार। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, सीबीएसई करिकुलम, नर्सरी से 7th तक की पढ़ाई, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कैंपस, एसी बस विथ जीपीएस एंड सीसीटीवी, चाहे आवासीय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ई लाइब्रेरी भी। हमारा पता है जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, जीछो बिशनपुर भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7672800010। एडमिशन इज गोइंग ऑन। कैंसर से डरे नहीं, कैंसर से संघर्ष करें और साहस रखें। सही समय और सही जगह पर इलाज करवाने से आप इस संघर्ष में हमेशा आगे रहेंगे। और इस संघर्ष में आपके साथ है भारत विख्यात हॉस्पिटल समूह नारायणा हेल्थ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9199446571। याद रहे 9199446571। नारायणा हेल्थ। शानदार बैंक्वेट हॉल में भव्य शादी का आनंद लीजिए अब अपने शहर भागलपुर में। शहर के हृदय स्थल तिलकामांझी चौक पर स्थित मान्यवर बैंक्वेट हॉल अब आपकी सेवा में सदैव तत्पर। 23,000 वर्ग फीट में फैला मान्यवर बैंक्वेट हर तरह की आधुनिक साज सज्जा एवं सेंट्रली एयर कंडीशन के साथ शादी, रिसेप्शन, पार्टी एवं अनेक आयोजनों में 4 चांद लगाने को तैयार। शानदार वेन्यू एवं लाजवाब गेस्ट हाउस, बिहार झारखंड का इकलौता स्मार्ट बैंक्वेट हॉल आपके शहर भागलपुर में अब आपके लिए। मान्यवर बैंक्वेट हॉल, खुशियां बांटें अपनों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर एसएसपी आशीष भारती के निर्देश पर फरार वारंटियों के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। कुछ दिन पूर्व हत्या के मामले में फरार आरोपी गुलशन पासवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ललमटिया ओपी अध्यक्ष मिथिलेश कुमार चौधरी ने बताया कि मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के गनौरा बादरपुर गांव में कुछ दिन पूर्व हुए हत्या में आरोपी गुलशन पासवान को गुप्त सूचना के आधार पर जेल गेट से गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार आरोपी को जेल भेज दिया है। भागलपुर टीएनबी कॉलेज में शुक्रवार को एनएसएस के 7 दिवसीय विशेष शिविर के 5वें दिन बौद्धिक परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा में डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने विवेकानंद के जीवन दर्शन पर प्रकाश डाला, जबकि मुख्य वक्ता डॉक्टर रविशंकर चौधरी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श पर चलने की बात कही। वहीं समाजसेवी प्रकाश चंद्र गुप्त ने टीएनबी कॉलेज में चल रहे विशेष शिविर की जमकर प्रशंसा की और छात्र छात्राओं को भविष्य में राष्ट्रहित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रीय सेवा योजना विशेष शिविर के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर सुमन कुमार ने स्वयंसेवकों को एनएसएस के उद्देश्य को बताया। साथ ही सुमन ने स्वयंसेवकों को राष्ट्रहित में आदर्श नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्य को पूरा करने की बात कही। वहीं एनएसएस के प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार ने स्वामी विवेकानंद के विचारों को संपूर्ण देश में व्यापक स्तर पर फैलाने का संकल्प दिलाया। मौके पर डॉक्टर श्वेता पाठक, युवराज गुप्ता, रंभा कुमारी समेत कई शिक्षक और एनएसएस से जुड़े लोग मौजूद थे। इसके पूर्व गुरुवार को कॉलेज कैंपस में विशेष शिविर में छात्र छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण की जानकारी दी गई। डॉक्टर अनिरुद्ध ने बताया कि शिविर में स्वयंसेवकों को योगाभ्यास का प्रशिक्षण दिया गया, साथ ही समाज में फैली भ्रांति को दूर करने और जन जागरूकता फैलाने का संकल्प दिलाया गया। मौके पर डॉक्टर डीएन चौधरी समेत कई शिक्षक और प्रशिक्षक मौजूद थे। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से नाथनगर प्रखंड परिसर में चल रहा 7 दिवसीय राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम शुक्रवार को सम्पन्न हो गया। इस दौरान पटना से आए इंजीनियर एवं मास्टर ट्रेनर फरहान विन सलीम, किरण कुमारी और टुनटुन कुमार ने भूकंपरोधी मकान निर्माण के लिए राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण दिया।
ट्रेनरों ने प्रोजेक्टर के माध्यम से मौजूद राजमिस्त्रियों को तकनीकी जानकारी दी, साथ ही मिस्त्रियों से मॉडल का भी निर्माण कराया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में 30 राजमिस्त्री मौजूद थे। अंतिम दिन सभी राजमिस्त्री को विभाग की ओर से राशि एवं प्रमाण पत्र दिया गया। इस मौके पर उपेंद्र तांती, विनोद यादव, रंजीत यादव, अर्जुन शाह, मुन्नी लाल शाह मौजूद थे। राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है बिहार राज्य आपदा प्रबंधन के तरफ से पटना के द्वारा। तो यहाँ पे हम लोग सिखा रहे हैं इन लोगों के नींव के बारे में, कई तरह के नींव होते हैं, कुछ कुछ छोटी छोटी जो ये लोग गलती करते हैं, जैसे कि ईंट को फुला के नहीं लगाते थे तो ईंट के फुलाने से क्या फ़ायदा होता है, तो ईंट अगर फुला के नहीं लगाते तो उसमें होता क्या है कि जो मसाला जो हम लोग डालते हैं वो मसाला उसका मसाला का पानी ईंट सोख लेता है, जिसकी वजह से हमारा मसाला कमज़ोर हो जाता है। तो ये सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ इन लोग को सिखा रहे हैं। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत गुरुवार को सूबे के मुखिया नीतीश कुमार शाहकुंड प्रखंड के भुलनी पंचायत पहुँचे थे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुशल युवा कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली छात्रा तान्या कुमारी को प्रमाण पत्र प्रदान किया और शुभकामनाएं दी। हम आपको बता दें कि तान्या कुमारी भागलपुर के सर्वश्रेष्ठ कौशल विकास केंद्र क्रिएशन ट्रेंडिंग की छात्रा है। वहीं तान्या कुमारी को मुख्यमंत्री के हाथों से सर्टिफिकेट मिलने के बाद क्रिएशन ट्रेडिंग के निदेशक उत्तम झुंझुनवाला, संचालिका मेघा झुंझुनवाला एवं विपणन प्रबंधक कुशाल कुमार नटवर ने बधाई दी। मौके पर डीएसएम नवीन, डीआरसीसी हेड सौरभ, आलोक कुमार समेत कुशल युवा प्रोग्राम से जुड़े कई लोग मौजूद थे। भुलनी के चाड़ा बड़गांव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से लगाए गए स्टॉल पर भी गए, जहां उन्होंने भागलपुर जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी राहुल कुमार से जानकारी ली। इसके बाद सीएम ने मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं को सहायतार्थ योजना और रोजगार ऋण योजना के लाभुकों को सांकेतिक डमी चेक का वितरण किया। जिला अल्पसंख्यक पदाधिकारी राहुल कुमार ने बताया कि मौके पर 4 तलाकशुदा महिला और 5 लोगों को रोजगार ऋण योजना के तहत राशि दी गई। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड परिसर स्थित श्री राम प्रीतेश्वर धाम में 31 जनवरी से 12वां श्री महाविष्णु महायज्ञ का आयोजन होगा, जिसको लेकर शुक्रवार को मंदिर परिसर में पंडित अशोक शास्त्री के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ध्वजारोहण किया गया। हम आपको बता दें कि 31 जनवरी को भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ महाविष्णु यज्ञ का शुभारंभ होगा, जो 9 फरवरी को पूर्णाहुति के साथ संपन्न होगा। मौके पर जितेंद्र कुमार जीतू, अजय यादव, व्यास देव, डब्लू यादव, दयाल कुमार, विभूति शरण, प्रदीप चौधरी, बबलू समेत काफी संख्या में भक्त मौजूद थे। श्री श्री 1008 श्री विष्णु महायज्ञ का ध्वजारोहण का आज शुभ दिनानुसार पौष मास पूर्णिमा तिथि ये श्री श्री 1008 श्री विष्णु महायज्ञ का ध्वजारोहण का आज संकल्प लिया गया। और आज से हमारे हनुमान जी इस आश्रम के साथ साथ पूरे समाज में अपने ध्वजा के साथ रक्षक और सेवक के रूप में सदा कल्याण करते रहेंगे। और अंत में चलते चलते नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जिले में अपराधी हुए बेखौफ, बड़ी घटना को अंजाम देने पहुंचे अपराधियों ने सड़क पर किया बम विस्फोट। नहीं थम रहा है जिले में रफ्तार का कहर, घर में घुसा तेज रफ्तार और नियंत्रित पिकअप वैन। जल जीवन हरियाली अभियान को लेकर छात्राओं ने निकाली रैली, मानव श्रृंखला में शामिल होने की लोगों से अपील। स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वयं सेवकों ने निकाली जागरूकता रैली, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। और वाहन चेकिंग अभियान के दौरान 0 माइल पुलिस को मिली बड़ी सफलता, भारी मात्रा में शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।